सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ सौरव जोशी की न्यू अपडेट और न्यूज़। तो जैसा कि आपको पता है, सौरव जोशी का सॉन्ग अभी धूम मचा रहा है, पर एक और सरप्राइज है। सौरव जोशी का एक सॉन्ग और आने वाला है वोइला डीजी के साथ में, तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। और सबसे पहले आपको ये बता दूं, सौरव जोशी के सॉन्ग पर 1 मिलियन लाइक हो चुके हैं, जैसा कि सौरव जोशी ने रिक्वेस्ट करी थी अपने सभी फैंस सब्सक्राइबर्स से। तो वीडियो पे हो चुके हैं 1 मिलियन लाइक कंप्लीट। सौरव जोशी का सॉन्ग यूट्यूब पे तो ट्रेंडिंग में था ही, पर यूट्यूब म्यूजिक पर भी 4th नंबर पे ट्रेंडिंग में रहा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और इसी के साथ ही जो सॉन्ग की फीमेल सिंगर है, उन्होंने अपनी स्टोरी पे एक वीडियो लगाया और सौरव जोशी के लिए कुछ बोला है, देखिए। Hi guys, so my song Mauja is out now, as you can see 13 hours ago and 6.5 million views already, and besides that it's trending on number 1, can you imagine? Thank you so much Vineet, thank you so much Man for believing in me to do this song, and besides that thank you Nikhil, thank you Saurav and thank you Shirin for being a part of this song. You guys really killed it and I'm really glad to be a part of this project. Thank you so much. तो जैसा कि आपने सुना, सॉन्ग की फीमेल सिंगर ने सौरव जोशी और पूरी टीम को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोला है। और इसी के साथ में, जैसा कि आपको पता है कि सौरव जोशी का आज जो व्लॉग आया, उन्होंने सौरव जोशी ने बताया कि वो दिल्ली जा रहे हैं और कुछ अमेजिंग होने वाला है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ अमेजिंग क्या होने वाला है। मेरे पास एक क्लिप निकल के आई है, तो आपको पहले व्लॉग की वो क्लिप दिखाता हूँ, सौरव जोशी ने क्या बोला। और 9 बजे की हमारी बस है दिल्ली की, हमको जाना है दिल्ली आज, और फिर उसके बाद हमको कल निकलना है कहीं और काफ़ी एक्साइटिंग जगह पे, लेकिन मैं आपको भी नहीं बता रहा, सरप्राइज़ है और हमारे लिए भी कुछ नई चीज़ है जो कि आपको चल जाएगा पता। टिकट तो हमने बुक कर दी थी, तीनों भाई जा रहे हैं हम। तो जैसा कि आपने सुना, सौरव जोशी ने बोला कुछ सरप्राइज़ है। तो देखिए, और आगे एक और चीज़ बताता हूँ कि सौरव जोशी ने व्लॉग के एंड में क्या बोला, पहले आप वो भी सुनिए। गाइस, हमारा गाना आ चुका है और आपने सुन ही लिया होगा, मतलब इतना बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहे हैं ना उस पर, इतने पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना बढ़िया रहेगा और सबको बहुत पसंद आ रहा है। तो जल्दी से 1 मिलियन लाइक करा दो, हमारा टारगेट है 1 मिलियन का, फिर आपको एक और सरप्राइज देखने को मिलेगा बढ़िया सा, जल्दी से 1 मिलियन करा दो बाकी। तो जैसा कि सौरव जोशी ने व्लॉग के एंड में बोला कि सरप्राइज मिलेगा 1 मिलियन लाइक होने पर, तो 1 मिलियन लाइक तो पूरे हो चुके हैं पर सरप्राइज अभी तक पता नहीं चला है। तो मैं आपको सरप्राइज बताता हूँ, सरप्राइज क्या है। तो सरप्राइज ये है कि सौरव जोशी दिल्ली पहुंचने के बाद वोइला डीजी की पूरी टीम से मिले हैं, उन्होंने 10 मिलियन व्यू का सेलिब्रेशन केक भी कट किया है, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। और वो उन टीम मेंबर्स के साथ अभी भी दिल्ली में है, और उन्होंने बोला एक सरप्राइज़ और है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सॉन्ग की और शूटिंग होगी वोइला डीजी के साथ में, उनके प्रोडक्शन के साथ में एक सॉन्ग और आने वाला सौरव जोशी का, इसका अनाउंसमेंट जल्दी पता चल जाएगा आपको उनके आने वाले व्लॉग्स में। तो मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूँ उनका सेलिब्रेशन वाला। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि वोइला डीजी की टीम मेंबर सब केक कट कर रहे हैं 10 मिलियन का और सब सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सॉन्ग आने वाला है, क्योंकि अभी तक जितने भी सॉन्ग डले हैं वोइला डीजी के चैनल पर, इतना ट्रेंडिंग में कोई नहीं गया सॉन्ग, जैसे कि एक ही दिन में 10 मिलियन व्यूज़ आ गए और 1 मिलियन लाइक आ गए। क्योंकि उनका जो पॉपुलर सॉन्ग है जिस पर 14 मिलियन व्यूज है, उस पर भी 1 लाख भी लाइक कंप्लीट नहीं है। तो इसलिए वो सौरव जोशी को लेकर और भी ज्यादा सॉन्ग्स बना रहे हैं और सौरव जोशी इसी की सरप्राइज की बात कर रहे हैं। और मैं ये बात इतने पक्के तरीके से इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि सभी टीम मेंबर्स दिल्ली आ चुके हैं, डायरेक्टर सिंगर। तो मुझे लग रहा है ये एक सॉन्ग की और शूटिंग चालू करने वाले हैं, ये सरप्राइज रखेंगे और शूटिंग कंप्लीट होने के बाद बताएंगे, या हो सकता है सौरव जोशी अपने आने वाले व्लॉग में अनाउंसमेंट कर दे सॉन्ग की। तो जल्द से जल्द आपको पता चल जाएगा और मुझे कोई भी अपडेट मिलती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, सौरव जोशी ने अपने सॉन्ग पे पीयूष के साथ में एक वीडियो अपलोड करी रील के अंदर, तो मैंने उसका वॉइस म्यूट कर दिया कॉपीराइट इश्यूज की वजह से। तो मुझे सौरव जोशी के नए सॉन्ग की कोई भी अपडेट मिलेगी, मैं सबसे पहले आप तक पहुंचाऊंगा। और अगर आपको ये न्यूज और अपडेट अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। फर्स्ट कमेंट करने वाले को हम वीडियो में मेंशन करते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय।